नमस्कार, मैं जनमक्ता श्री गौतम। और जिस तरीके से कल दीपिका पादुकोण कन्हैया कुमार के एक उस प्रोग्राम में खड़ी रही और वहां पर उसने समर्थन किया इसी घोष का, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स का, और इस पर अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो बीसी हैं यानी कि जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर जाने जाते हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी रिसर्च और पढ़ाई को दो महीने से जिन लोगों ने रोकने का काम किया है, जिन्होंने होल्ड पर लिया है, और उसके अलावा जो लोग दूसरे घायल हुए हैं, जो टीचर्स की दिक्कत हुई है, उसको भी ख्याल रखना चाहिए। वो एक तरफा तौर पर केवल छात्र विशेषों के साथ नहीं रह सकते। इसको लेकर जेएनयू की एक टीचर्स फेडरेशन है जिसके अश्विनी मोहपात्रा ने भी कहा कि जिस तरीके से तमाम टीचर्स इस बात का मांग कर रहे हैं कि जो पढ़ाई बाधित हो रही है उसको भी ध्यान रखा जाए, और जो बाहरी लोग आकर इस तरीके की गतिविधियां फैला रहे हैं, जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी पिटाई हुई, उसको भी देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, खासकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से, उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि जेएनयू को ये लोग ले कहाँ जाना चाहते हैं। जो चीज़ शिक्षा के लिए बनी है, शिक्षा का मंदिर जिसको कहा जाता है, उसमें शिक्षा के बजाय राजनीति हो रही है, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनकी पिटाई होती है, उनके हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं, और इस सब के लिए अगर कहीं नाम ना आ जाए इसलिए वहाँ पर नाटक किया जाता है। और ऐसा कहना है दिलीप घोष का, जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आईसी घोष ने अपना खून वगैरह का ये सब दिखाया है, ये ऐसा लगता है ये पूरा ड्रामा है, और इसकी जांच होनी चाहिए कि आईसी घोष का सर वाकई में रोड से फटा था या फिर उसने अपना ये सब नाटक किया है। निश्चित तौर पर आईसी घोष के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरीके से आईसी घोष ने दोपहर के टाइम तमाम नकाबपोशों का नेतृत्व किया था, उसके बाद हिंसा हुई थी, उसके बाद ऐसा लगता है कि आईसी घोष का ही पूरा का पूरा नाटक था, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि अगर वो पकड़ी गई तो उसने अपने आप को भी घायल दिखाकर, जैसा कि पहले फिल्मों में देखने को मिलता था या गाँव की लड़ाई में देखने को मिलता था कि जो लोग सबसे ज़्यादा हमलावर होते थे, बाद में पुलिस आने की खबर लगते ही वो अपने आप को भी घायल करके काउंटर अटैक करने की कोशिश करते थे, काउंटर कंप्लेंट करते थे, वही करने की कोशिश की है आईसी घोष ने। इसको लेकर बॉलीवुड में भी तमाम लोगों ने जिस तरीके से एक अब दो पार्ट हो गए बॉलीवुड के, यानी कि मुंबई या सिनेमा का जो पूरा का पूरा गिरोह है उसके, अब उसमें एक तरफ वो लोग हैं जो इस पूरे मामले में दीपिका के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, अवार्ड वापसी गैंग के लिए, ऐसनोसत्ताबादी गैंग के लिए, जो कि ज़्यादातर उसमें से डी कंपनी के लोग कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, कंगना रनौत की बहन रूपाली चंदेल ने भी इस पर एक अच्छा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि अब दीपिका अपनी फिल्म का प्रमोशन करने वहाँ गई है, घायल लड़की के साथ खड़े होने का नाटक कर रही है। लेकिन यही दीपिका तब कहाँ चली गई थी जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उरी का अटैक हुआ था, और वो इसी तरीके की घटनाएं भारत के खिलाफ होती रही थी, और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दीपिका का समर्थन किया है, उसके बाद तो इसमें दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है। और इसी कड़ी में दिलीप ताहिल ने भी कहा कि जो लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो किस तरीके से सीएए के विरोध को हवा देने के लिए जेएनयू के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है वो सब स्क्रिप्टेड लगता है, यानी कि बड़ी साजिश की तरफ इशारा लगता है। और इसी को लेकर और भी लोगों ने जो ट्वीट किए इस कड़ी में, पायल रोहतगी ने तो स्पष्ट कहा कि दीपिका पादुकोण का जो दिमागी स्तर है वो लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, वो आलिया भट्ट की बहन लगती है, और इसका मेघना गुलजार ने इसका ब्रेन वॉश कर रखा है, इसके पिताजी ने तो देश के लिए मेडल जीते थे, लेकिन अब दीपिका पादुकोण देश के खिलाफ काम करके अपने को मूर्ख दिखाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर दीपिका पादुकोण ने जो कुछ किया उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, और उसी कड़ी में जिस कन्हैया कुमार के नारों के बीच में दीपिका पादुकोण खड़ी थी, उसी कन्हैया कुमार ने अब दीपिका की घोर बेइज्जती कर दी है। कन्हैया कुमार से जब पूछा गया कि दीपिका पादुकोण आई थी और उसने आपसे क्या कहा, तो कन्हैया कुमार ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो उसे पता ही नहीं था कौन आया था। कन्हैया कुमार ने पूछा कि अच्छा दीपिका आई थी, हमें तो पता नहीं, हमसे तो मिली नहीं, मिलती तो बात करते, हम तो मुलाकात भी नहीं कर पाए। यानी कि इस पूरे के पूरे खेल को किस तरीके से और कितनी सफाई के साथ वामपंथी लोगों ने अंजाम दिया, उसको आप कन्हैया कुमार के इस बयान से समझ सकते हैं। कन्हैया कुमार को सब पता था
कि दीपिका पादुकोण है, उसकी पूरी की पूरी फिल्म की यूनिट है, पूरा का पूरा जो पीआर एजेंसी स्पाइस पीआर एजेंसी है उसके लोग हैं। और स्पाइस पीआर एजेंसी की तरफ से बयान आया है कि हम अपने एक्टर जिसको भी हम मैनेज करते हैं उसको सारी चीज़ें बता दें, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या बोलना है, क्या रिएक्ट करना है, क्या एक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं कि पिछले 3 दिनों से दीपिका दिल्ली में थी और इस दौरान उसको सब कुछ बताया गया था। उससे पहले वो सोनिया से मुलाकात करती है और ये सब के बाद वो जेएनयू जाती है। और इसकी वजह यह है कि दीपिका की जो फिल्म रिलीज होनी है 10 तारीख को, उसके साथ साथ तानाजी अजय देवगन की फिल्म भी रिलीज होने वाली है जो कि मराठा सेना के एक बड़े सेनापति तानाजी के ऊपर बनी है। तो इस फिल्म के टक्कर में होने की वजह से दीपिका की फिल्म कुछ पिटती हुई नज़र आ रही थी, दीपिका की जो पिक्चर है पिटती हुई नज़र आ रही थी। इसी वजह से उसकी जो पीआर एजेंसी है उसने दीपिका को जेएनयू के मुद्दे को इस्तेमाल करने की सलाह दी और इसी में दीपिका पादुकोण ने लेफ्ट विंग के छात्रों के साथ खड़े होकर ये भी दिखा दिया कि उसके जो पुराने संबंध रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ में या फिर पाकिस्तानी उस फाइनेंसर के साथ में जिसका रणवीर सिंह से भी अच्छा संबंध है और जो तमाम भारत विरोधी गतिविधियों को फाइनेंस करता रहा है, उनमें इन्वॉल्व रहा है, और उसी का बदला चुकाने के लिए दीपिका ने ये दो तरफा गेम खेल दिया, जिसके बाद पूरे देश में बायकॉट छपाक नाम का हैशटैग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी कहा कि ये दीपिका पादुकोण जैसे लोग जो हमारे और आम आदमी की जेबों से जाने वाले पैसे से अय्याशियां करते हैं, इन लोगों को आपको सबक सिखाना चाहिए और इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक इन्हें अकल नहीं आएगी। निश्चित तौर पर दीपिका पादुकोण हो, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे लोग हों, जावेद अख्तर जैसे लोग हों, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग हों, ये सब के सब देश की जनता का पैसा इस्तेमाल करते हैं और जनता के जज्बातों का सम्मान नहीं करते। ये हमेशा उन बातों को करते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को ठेस पहुँचती है। ये जिहादी मानसिकता के लोगों का समर्थन करते हैं और जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है तो ये पाकिस्तान परस्ती करते हुए नज़र आते हैं। इसी को लेकर स्वामी साक्षी जी ने भी कहा है कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की ही एक मेंबर है और इस पूरे के पूरे खेल में विदेशी फंडिंग और विदेशी लोगों के हाथ का साफ साफ इशारा होता है। जिस तरीके से ISI भारत में तमाम स्लीपर सेल रखती है और जैसा कि मेजर आसिफ गफूर जो कि पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता है उसने कहा भी था कि हम इस बात की बधाई देते हैं कि दीपिका ने इस तरीके का काम किया। और उससे पहले आसिफ गफूर ने जो कहा था आपको याद होगा, मुंबई में एक पोस्टर लहराया गया था आज़ाद कश्मीर आज़ादी के नाम पर और उसके जवाब में उसने कहा था कि ये हमारे जो लोग हैं हमारे समर्थन में भारत में ये सब हो रहा है और अभी वो दिन दूर नहीं जब देश के हर इलाके में ऐसा होगा और हम जल्दी ही भारत को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ISI के सभी एजेंट्स को अब इशारा मिल चुका है, स्लीपर सेल को इशारा मिल चुका है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी सेंट स्टीफेंस में ऐसा ही पोस्टर एक देखने को मिला। उसके अलावा आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद की मूर्ति के पास भी कुछ लोग कश्मीर को चाहिए आज़ादी, JNU को चाहिए आज़ादी इस तरीके के नारे लगाते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा इसमें आप समझ लीजिए जो इशारा स्वामी साक्षी ने किया है कि इस पूरे खेल में विदेशी स्लीपर सेल भी खासकर पाकिस्तान परस्त ISI एजेंसियों के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका इशारा जब उत्तर प्रदेश में CA के विरोध में दंगों की जांच चल रही थी तब भी हुआ था कि किस तरीके से PFI उसमें इन्वॉल्व था, उसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी उसमें शामिल थे। तो निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा रैकेट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और डी कंपनी जो कि पाकिस्तान परस्ती का काम करती है और उसके इशारों पर ज़्यादातर बॉलीवुड के ये नचनिए गवैये या म्यूजिक वाले नाचते गाते और बजाते हैं उनको भी अब वहाँ से सीधा डायरेक्शन मिला हुआ है कि इस मामले में पूरी तरीके से खुलकर आपको सरकार का विरोध करना है और लोगों में ये संदेश देना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। निश्चित तौर पर डी कंपनी जिस तरीके से बॉलीवुड में हावी है और इस पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, तमाम फिल्मों को हिट कराया जाता है, उसमें काले धन को सफ़ेद किया जाता है, दाऊद के इशारे पर बहुत से ये एक्टर एक्ट्रेस नाचते हैं गाते हैं
और इनके संबंधों को लेकर तमाम फोटो भी सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा रसूख होने की वजह से बच जाते हैं। और इस समय तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के इशारों पर नाच रहे हैं, उसके बाद तो लगता है कि इस मामले में अब कुछ होगा नहीं, और इसीलिए ये खुलकर बोल भी रहे हैं। उससे पहले इन लोगों को थोड़ा डर लगता था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन न ले ले, लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्वच्छंद हो गए। और यही वजह है कि अनुराग बसु भारत के प्रधानमंत्री पर भपतियाँ कसते हैं, तमाम शर्मनाक बयान देते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे कमाल आर खान जैसे लोग हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोग हैं, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर जैसे लोग हैं, ये खुलकर अब इस पूरे मामले में अपना रंग दिखाने में लगे हुए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने भी दीपिका का समर्थन किया, उसके अलावा कार्तिक आर्यन जैसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार होने से इन लोगों का डर खत्म हो गया है। लेकिन ये लोग एक बात समझ लें कि वो कितना भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना या सोनिया सेना की सरकार हो, उसके बावजूद इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं और ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कड़ी में जैसा हमने दिलीप ताहिल का आपको बताया, जूही चावला जो अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, उन्हें सबसे पहले तो उस बात को समझना चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि जो उनसे कहा जा रहा है, जो उन्हें बताया जा रहा है, क्या वो सच है या अफवाह है, और किसी भी अफवाह पर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। उनका सीधा इशारा दीपिका पादुकोण और जो बॉलीवुड के और तमाम लोग हैं उनकी तरफ था। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने सही नसीहत दी है कि जिस तरीके से आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत जल्दी इस चीज़ में कूद पड़ते हैं और सीधे तौर पर नकारने लगते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं, जैसा कि जेएनयू के हिंसा के मामले में हुआ कि वहां किसी भी व्यक्ति की पहचान हुए बगैर ही ये घोषित कर दिया गया कि ये सब हिंसा सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ कर रहा है, जबकि छात्र संघ के जो एवीपी है उसी के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हीं के साथ ज़्यादा मारपीट हुई, लेकिन उसके बावजूद आईसी घोष ने अपने को घायल दिखाकर जिस तरीके से रोना धोना किया, और उसके बाद जो FIR आईसी घोष के ऊपर हुई थी उनको भी ये प्रचारित किया गया कि इसी हिंसा को लेकर हुई है, जबकि वो FIR 3 दिन पहले की घटना को लेकर हुई थी। तो निश्चित तौर पर जूही चावला का यह बयान सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ पर रिएक्ट करने से पहले आप पूरी तरह से उसको समझ लें और एक जगह से नहीं, उसको 3-4 जगह से वेरीफाई कीजिए। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के जो ज़्यादातर फेक जो फोटोशॉप्ड फोटो या वीडियो होते हैं उन पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, उसके बजाय उसको वेरीफाई करें, तब किसी बात पर अपने निर्णय तक पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।